जी हाँ, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। फ्री डिश डीटीएल सिस्टम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं अपडेट लेकर आया हूँ दोस्तों, वो अपडेट है कि हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कमेंट किया था लाइव स्ट्रीमिंग में। उनका नाम है यशवंत जी। उन्होंने हमसे पूछा था भी हमारे गुजरात में कौन कौन से सेटेलाइट चलते हैं। तो आज मैं वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, और गुजरात में रहने वाले तमाम हमारे भाई बहन हैं जो गुजरात में रहते हैं, उनके लिए सैटेलाइट कौन कौन से वो सैटेलाइट हैं जो आप गुजरात में ट्रैक कर पाएंगे, सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे हमारे साथ दोस्तों। तो और से पहले आप से गुजारिश है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस छोटी सी वीडियो को दोस्तों लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि एक दूसरे की मदद हो सके। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी मैं पहले की तरह मैं सबसे पहले होमवर्क करता हूँ, उसके बाद मैं सब इन्फॉर्मेशन आपके लिए बनाता हूँ। तो दोस्तों ये वो इन्फॉर्मेशन, तो ये देखिए मैं आपको दिख रहा है, शायद शायद आपको ये ऑपोजिट दिख रहा है इसके, इसलिए आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि फ्रंट कैमरे से वीडियो बन रही है, इसलिए इसका जो टेक्स्ट मैसेज आपको इसके उल्टे दिख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम उस सेटेलाइट के नाम बताते हैं आपको, वो कौन कौन से सेटेलाइट है जो आपको ट्रैक करने चाहिए। आप गुजरात में 2 फीट डिश पर होंगे, मैंने 2 फीट डिश की जानकारी दे रहा हूँ गुजरात के लिए, जो इन सेटेलाइट को आराम से ट्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों पहला सेटेलाइट है वो बदरसेट 26 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, कई हमारे मित्र हैं वो गुजरात में रहते हैं लेकिन बदरसेट को ट्रैक नहीं कर पा रहे, तो बिल्कुल वो 2 फीट पर इसको ट्रैक कर पाएंगे दोस्तों। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ आपके पास टीपी सही होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप टीपी इधर उधर से देख कर टीपी यूज़ कर रहे हैं और उसको ट्रैक कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। हमारी वीडियो देखिए दोस्तों, उसमें आपको बिल्कुल ट्रू न्यूज़ होगी, आपको बिल्कुल बदरसेट की चैनल लिस्ट की जानकारी देते हैं, ऑटो स्कैन करके दिखाते हैं कौन कौन से चैनल और कौन कौन से टीपी रिसीव हो रही है, वो टीपी को नोट करके आप इसको सेटेलाइट को ट्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो दूसरी टीपी है दोस्तों पाकसेट 38 डिग्री, अभी वो MM1 हो गया दोस्तों, 38 डिग्री पे सेटेलाइट हो गया है, ठीक है, रीब्रांड हो गया, और इसमें जल्दी कोई टीपी वगैरह आपको देखने को मिलेंगी, नई टीपी के साथ नए चैनल मिलेंगे, इसको भी ट्रैक करना है। 2 फीट डिश पर इसका भी सिग्नल आपको पूरा फुल मिलेगा, ठीक है, ट्राई करना है। कई दोस्तों के यहाँ सिग्नल नहीं मिल रहा, ठीक है, उनके मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली थी इससे जुड़ी हुई, क्योंकि कई हमारे कई शहर ऐसे हैं जिनमें 2 फीट से थोड़ी सी 2.25 फीट डिश की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा नहीं, तो अमूमन तो ये 2 फीट के भी ट्रैक हो जाता है, लेकिन कई इलाकों में ऐसा भी जिसके लिए आपको 2.25 फीट डिश की जरूरत पड़ेगी, तो गुजरात में 2 फीट पे आराम से ट्रैक हो जाएगा, तो इसको ट्रैक जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा 40 डिग्री है एक्सप्रेस 40 डिग्री, इसको भी आप ट्रैक जरूर कीजिएगा, बिल्कुल आराम में पूरी ऑल इंडिया में ये काम करता है। तो इसके अलावा एक नया सेटेलाइट है दोस्तों तुर्क सेट, ये रीब्रांड हो चुका है, तो इसकी सीरीज का जो 4A है, ठीक है, तुर्क सेट 4A, तो 42 डिग्री है, ये भी 42 डिग्री है, ये भी आप इजीली ट्रैक कर पाएंगे। इसके अलावा अदर स्पेस 45 डिग्री है, ये भी हमारे गुजरात के भाई बहन इसको भी ट्रैक कर पाएंगे आराम से, ठीक है। इसके अलावा भारत का एक और सेटेलाइट है जी सेट 19, ठीक है, जिसकी डिग्री है 47, तो 47 डिग्री को भी आप ट्रैक कर पाएंगे। अभी फिलहाल इसकी जो टीपी में सिग्नल आ रहा है, लेकिन अभी आप उसमें कोई चैनल अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो अगली टीपी है या सेट 52 डिग्री, ये गुजरात का कुछ हिस्सा ट्रैक करेगा, मतलब काफ़ी हद तक गुजरात का हिस्सा ट्रैक करेगा, इसको भी ट्रैक करना चाहिए, ठीक है, तो 52 डिग्री को आप इजीली ट्रैक कर पाओगे। और इसके अलावा है 53 डिग्री एक्सप्रेस 53 डिग्री को भी आप ट्रैक कर पाएंगे 2 फीट डिश पर गुजरात, ठीक है। तो इसके अलावा जी सेट 8 है, जिसको हम बोलेंगे 55 डिग्री ईस्ट, ये भी ट्रैक हो जाएगा आराम से। इसके अलावा NSS सेटेलाइट है जो कि है 57 डिग्री, ये भी आप आराम से भी उसको ट्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको और सेटेलाइट का नाम बताता हूँ, वो है इंटल सेट 60, 60 डिग्री भी आप चला पाएंगे दोस्तों, 60 डिग्री भी, और जी सेट 74 डिग्री भी आप ट्रैक करेंगे, इसके साथ ABS 75 डिग्री है, वो भी आप इजीली इसको ट्रैक कर पाएंगे, ठीक है। और जो इसके अलावा जो हमारे इंडियन DTH सेटेलाइट हैं, जैसे कि 83 है, 88 है, ठीक है, और 91 है और 95 है, ये भी इजीली 108 डिग्री है, ये भी आप इंडियन DTH है और इसको भी आप ट्रैक कर पाएंगे। इसके अलावा जो अदर सेटेलाइट है जिसमें जैसे कि जी सेट 97 डिग्री, ठीक है, जी सेट 97 डिग्री है, इंडिया का सेटेलाइट है, 97 डिग्री भी आप ट्रैक कर पाएंगे। और इसी के साथ चाइना सेट का भी एक डिग्री है जो कि है 98 डिग्री, 97 और 98 दोस्तों सेम ही है, अगर तो आप 97 ट्रैक करोगे तो 98 भी ट्रैक हो जाएगा साथ में, स्कैन करते वक्त अगर 98 कर रहे हो तो 97 के भी सिग्नल आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा इसे सेट 5 है,
एसी सेट 5 डिग्री, मतलब सॉरी एसी सेट 5 जो कि है 100 डिग्री ईस्ट, 100, ठीक है, ये भी इजीली ट्रैक हो जाएगा आपके यहाँ 2 फीट पर। इसके अलावा एसी सेट 7 है जो कि है 105 डिग्री ईस्ट, ये भी इजीली ट्रैक हो जाएगा दोस्तों। तो इसके अलावा कोरिया सेट 113 डिग्री है, इसको भी आप आराम से ट्रैक कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो कोरिया सेट के अलावा एक और एक डिग्री है बंगबंधु, ठीक है, क्यू बैंड है बंगबंधु, 2 फीट डिश में, पूरे ऑल इंडिया में इसका कवरेज है। अभी जैसे ही कोई इसकी बीम एक्टिवेट होती है तो आप सभी पूरे ऑल इंडिया में इसको आराम से 2 फीट पे ट्रैक कर पाओगे। अभी फिलहाल इसकी बीम बंद बंद है। तो इसी इसी की डिग्री का एक और सेटेलाइट है 119 का, जो कि है थाईकॉम। थाईकॉम भी 119 डिग्री है, बंगबंधु भी 119 डिग्री है दोस्तों। थाईकॉम का उसमें कुछ टीपी है वगैरह हमको कई बार रिसीव भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर वो टीपी बंद ही रहती है उनका सिग्नल। तो ये भी एक टीपी, अगर 119 से अगर बंगबंधु की टीपी अगर ऑन हो जाती है जिसमें हमको सिग्नल भी मिलेंगे 2 फीट पर, तो देखिए इसमें आपका थाईकॉम भी ट्रैक हो जाएगा आराम से। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी, ये सेटेलाइट थे जो आप गुजरात वाले हमारे भाई बहन इसको इजीली ट्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 2 फीट की डिश की जानकारी मैंने आपको दी है। तो कौन कौन से सेटेलाइट जसवंत सर हमसे आज पूछ रहे थे लाइव, तो आज मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, और ये गुजरात में रहने वाले सभी दोस्तों के लिए, अगर गुजरात में हैं आप हैं तो ये सेटेलाइट आप आराम से ट्रैक कर पाएंगे। तो ये छोटा सा प्रयास मेरा आपको कैसा लगा तो दोस्तों मुझे कमेंट में भी जरूर बताना। तो ये छोटी सी वीडियो दोस्तों, इसको भी लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।